दोस्तों, आप लोगों के तमाम डिमांड के बाद आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका चैनल वॉइस ओवर से रिलेटेड है, डीजे से रिलेटेड है, स्टेटस से रिलेटेड है, रील्स से रिलेटेड है, कॉपी पेस्ट वीडियो से रिलेटेड है, सीरियल वीडियो से रिलेटेड है, क्रिकेट की वीडियो से रिलेटेड है, या फिर गेमिंग के चैनल से रिलेटेड है, या बॉलीवुड सॉन्ग से रिलेटेड है, फैन पेज बनाते हो, अगर आप फैन पेज बना रखा है यूट्यूब चैनल पर, वॉइस ओवर कर रखा है आपने अपने चैनल पर, वॉइस चेंज के साथ वीडियो बना रखी है, रिलैक्सिंग वीडियो बना रखी है, या फिर मूवीज के ऊपर आपने वीडियो बनाया है, तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा? और अगर आपके चैनल पर कुछ प्रॉब्लम होगी तो किस टाइप के कंटेंट पर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लेना। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला हूँ, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, एक एक बारीकी से आपको जानकारी बताऊँगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपका चैनल वॉइस ओवर का है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, YouTube की एक नई पॉलिसी आई थी 2020 में, जिसमें बताया गया कि आपके चैनल पर अगर रीयूज्ड कंटेंट है तो हम आपके चैनल को मोनेटाइज बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अब वहीं पर बात करें कि हम वॉइस ओवर करते हैं अपने वीडियो पर तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा? अगर आपकी वॉइस रियल है, आपकी वॉइस है, पर्सनल वॉइस है, और आप जिस फुटेज का यूज करते हैं वो फुटेज विदाउट कॉपीराइटेड है और दूसरे YouTube चैनल से नहीं लिया गया है, तो आपका ये वॉइस ओवर वाला चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वॉइस ओवर पर चैनल है, उसमें आप सीरियल की वीडियो या क्रिकेट मैच से रिलेटेड वीडियो, या फिर आप कुछ ऐसी वीडियो उठाते हैं जो कि YouTube पर ही अपलोड है वो वीडियो, तो उस पर जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके चैनल पर कॉपीराइट आने का बहुत बड़ा चांस होता है और आपके चैनल को सस्पेंड भी कर दिया जा सकता है। इसलिए अगर आप सीरियल या फिर क्रिकेट मैच या फिर YouTube की वीडियो उठाकर वॉइस ओवर करते हैं तो जरूर सावधान रहना। यहां पर अब मैं बात करूंगा डीजे मिक्सिंग से रिलेटेड। डीजे मिक्सिंग की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि डीजे मिक्सिंग वाले सभी चैनल पर यूट्यूब भेजता है रीयूज्ड कंटेंट, और रीयूज्ड कंटेंट ये होता है कि दोबारा यूज किया गया हुआ कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट कैसे हटाएं, ऊपर एक वीडियो दे दी है, देख लेना। और डीजे मिक्सिंग का चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करता है। अगर आप अपने चैनल पर स्टेटस की वीडियो बनाते हैं और स्टेटस पर आप बनाते टाइम बहुत ज्यादा एडिटिंग पर ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन फिर भी आपके चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, चाहे जितनी आप मेहनत कर लें, एडिटिंग कर लें, कुछ भी कर लें, यूट्यूब ये बात नहीं समझ रहा है। तो आप इस टाइप के चैनल मत बनाना अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो। यहां पर मैं बात करूं, अगर आप इंस्टाग्राम के रील की वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पर, तो इंस्टाग्राम की रील की अगर आपके पर्सनल वीडियो है तो उस चैनल को यूट्यूब मोनेटाइज कर देगा। अगर आप किसी फेमस कलाकार की वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, या फिर मीम्स बनाकर अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, तो आपका चैनल यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, याद रखना इस चीज को। अब यहां पर बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को जानना बेहद जरूरी है आपके लिए, कि अगर आपके चैनल पर कॉपी पेस्ट से रिलेटेड वीडियो है, जैसे कि आपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई वीडियो कॉपी कर ली और उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर आपने अपलोड कर दिया, इस टाइप के कंटेंट को यूट्यूब की लैंग्वेज में कहते हैं कॉपी पेस्ट वीडियो। कॉपी पेस्ट वीडियो में यह होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। यूट्यूब के पास जब आप मोनेटाइजेशन में भेजते हैं तो कभी 4 दिन, कभी 5 दिन और कभी कभी 15 दिन के बाद यूट्यूब रिप्लाई करता है और बताता है कि हम आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट भेज रहे हैं क्योंकि आपने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया है, इसलिए हम आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहां पर सीरियल की, कि अगर आपका चैनल सीरियल से रिलेटेड है, आप सीरियल की अपडेट डालते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है और बहुत बार देखा भी गया है, सभी लोगों ने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि सीरियल की वीडियो अपलोड कर देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। उन्हें यह नहीं पता होता कि सीरियल की वीडियो अपलोड तो कर दिया है, लेकिन उसका वॉच टाइम जो आएगा वो भी काउंट नहीं होगा, वो रीयूज्ड कंटेंट में आ जाएगा। और वो जब इन केस 1% चांस है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज यूट्यूब कर देता है, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपके चैनल पर एयरप्लेक्स की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा और
और आपका चैनल सस्पेंड, डिलीट, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आप सीरियल की वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वॉइस के साथ अपनी वीडियो अपलोड करनी है। उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाए उसके पहले सभी वीडियो को ध्यान से देख लेना कि किसी वीडियो पर कॉपीराइट मटेरियल तो नहीं है, नहीं तो मोनेटाइज होने के बाद ये देखा गया है कि बहुत से चैनल डिलीट कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं स्ट्राइक के कारण से। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ये ध्यान रखना। आप यहां पर ये कह सकते हैं कि सर बड़े-बड़े चैनलों पर सीरियल की क्लिप चलती है, उन पर कुछ इफेक्ट नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल 1 मिलियन या 2 मिलियन हो गया है, ठीक है, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख लोग, तो अगर मेरा कोई वीडियो आप 10 लाख वाले चैनल पर चलाओगे तो मैं कभी उसको स्ट्राइक नहीं दूंगा, कभी कोई कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी वीडियो का प्रमोशन हो रहा है। तो इसलिए बड़े चैनल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, छोटे चैनल पर इसीलिए इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो छोटे चैनलों पर नहीं दिखाना चाहते कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि लीक करने वाली हो, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रिकेट मैच से रिलेटेड। यहाँ पर यह भी देखा गया है बहुत से ऐसे चैनल क्रिएट किए जा रहे हैं जिस पर क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट अपलोड किया जाता है। अब क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट तो अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिकेट मैच ही अगर अपलोड कर दोगे या फिर IPL मैच ही अपलोड कर दोगे तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान रखना, कभी भी आप किसी भी वीडियो का वॉइस ओवर कर रहे हो तो हमेशा वॉइस के साथ ही वीडियो अपलोड करें, किसी भी वीडियो पर आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं गेमिंग चैनल की। गेमिंग चैनल पर बहुत लोग स्ट्रीम करते हैं गेमिंग की, लेकिन वो ये गलती कर जाते हैं जो कि उनका चैनल मोनेटाइज आगे चलकर नहीं होता है। क्या गलती करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप गेमिंग का स्ट्रीम करें तो हमेशा आप अपने वॉइस के साथ में करें, आपकी आवाज आनी चाहिए गेम के पीछे, ये नहीं कि आपने म्यूजिक यूज कर लिया है और गेम चला दिया है और आप सोच रहे हैं कि चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, चैनल आपका मोनेटाइज कभी नहीं होगा, यूट्यूब नहीं करेगा। अब यहां पर मैं बात करता हूं बॉलीवुड सॉन्ग की। बॉलीवुड सॉन्ग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस सॉन्ग को सभी लोग यूज करके ज्यादा फेमस हो सकते हैं। जैसे कॉमेडी की वीडियो बनाना हो तो बॉलीवुड की मूवी यूज कर लेंगे, बॉलीवुड का कोई डायलॉग यूज कर लेंगे, या फिर डांस की वीडियो बनानी है तो बॉलीवुड सॉन्ग यूज कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप डांस की वीडियो अपलोड करते हैं और आपने बॉलीवुड सॉन्ग यूज किया है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके चैनल पर आपका डांस जो है वो ओरिजिनल वीडियो है, और जो बॉलीवुड सॉन्ग लिया है वो कवर सॉन्ग के लिए लिया है जिस पर क्लेम आएगा और उस पर क्लेम का रेवेन्यू थोड़ा चला जाएगा बॉलीवुड सॉन्ग के ओनर के पास और थोड़ा बहुत आपको रेवेन्यू मिल जाएगा, इस बिहाफ पे आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन केस सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग या फिर कोई भी सॉन्ग अपलोड कर देते हैं, उस पर अपना कोई क्रिएटिव नहीं माइंड लगाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहां पर अब बात करता हूं फैन पेज की। अगर आपने अपने चैनल का फैन पेज बना रखा है किसी एक एक्टर पर या फिर किसी साइंटिस्ट पर, किसी पर भी हो सकता है फैन पेज, तो आपको ध्यान दिला दूं कि फैन पेज YouTube मोनेटाइज नहीं करता अगर आप उस पर कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं। अब क्रिएटिविटी जो दिखाना है वो क्या दिखा सकते हैं, मैं आपको यहां पर बताता हूं। जैसे कि क्रिएटिविटी होता यह है कि आपने किसी एक एक्टर की वीडियो बनाई, तो मान लो सलमान खान का फैन पेज आपने बना रखा है YouTube पर, वहां पर सलमान खान की एक क्लिप यूज की और क्लिप यूज करने के बाद आपने फेस कैम के साथ पूरी वीडियो अपलोड कर दी जिसमें कि 20% सलमान खान थे और 80% आपने सलमान खान के बारे में बताया और अपनी फेस के साथ बताया, तो इस टाइप का कंटेंट YouTube मोनेटाइज कर देता है और आपको इसी टाइप का ही कंटेंट अपलोड करना है अगर आप फैन पेज को मोनेटाइज करवाना चाहते हैं तो। यहां पर अब मैं बात करूंगा दोस्तों रिलैक्सिंग वीडियो की। आपको देखने को मिला होगा बहुत से यूट्यूबर ने ऐसा बताया है कि रिलैक्सिंग वीडियो अपलोड कर दो, लाखों रुपए महीने कमा लोगे। आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि लाखों रुपए महीने कमाने के पीछे बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आप रिलैक्सिंग वीडियो वो यूज कर सकते हो जो कि क्रिएटिव कॉमन्स की हो और उस पर रीयूज्ड अलाउ लिखा हो, फिर आप उस वीडियो को यूज करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आपके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आएगा अगर आप किसी दूसरे यूट्यूब की वीडियो उठाकर
अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देते हो तो ये बात ध्यान रखना। लास्ट यहां पर एक बात आपको और बता दूं, ये अंतिम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मूवी अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पर या फिर वेब सीरीज अपलोड कर देते हैं तो आपका चैनल यूट्यूब मोनिटाइज नहीं करेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं सर इस चैनल पर मैंने देखा ये मोनिटाइज भी है, पैसे भी कमा रहा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर मैंने आपको दिखाया भी था कि उनके चैनल को मोनिटाइज यूट्यूब ने कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद यूट्यूब ने उनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट भेज दिया। तो आपके भी चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट यूट्यूब भेज सकता है, इसलिए ऐसी गलती करो ही ना जिससे कि आगे चलकर तुम्हारे चैनल पर कोई इफेक्ट आए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आज आपके बहुत सारे डाउट कंप्लीट कर दिए होंगे मैंने, और कुछ और अगर आपके डाउट है तो नीचे कमेंट करना और बताना कि आपको अब किस बात का डाउट है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारा ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपके पास हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम सबसे पहले आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।